नमस्कार, मैं आप सभी के साथ हूं राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का नंबर वन एंड लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव, आपका समय एवं आपकी खबर। इस समाचार के प्रस्तुत करते हैं, गर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड इन योर वे PIS। अब बढ़ते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस की तरफ। सिक्किम के राज्यपाल ने पाक्योंग हवाई अड्डे और रंफू रेल मार्ग निर्माण कार्य का उठाया मुद्दा। दार्जिलिंग में लोकसभा सांसद राजू बिष्ट का हुआ भव्य स्वागत। चीते के चमड़े के साथ भूटानी नागरिक हुआ गिरफ्तार। स्विस बैंक में धन रखने वालों पर अब कसा जाएगा शिकंजा। और सुंदरवन में डूबने से 3 वर्षों में हुई 504 शिशुओं की मौत। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की तरफ विस्तार से। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री पीएस गोले और लोकसभा सांसद इंद्रहांग सुब्बा रविवार को गुवाहाटी में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद के 68वें बैठक में शामिल हुए, जिसमें सिक्किम के अधिकारियों में मुख्य सचिव एके श्रीवास्तव ने इसका अगुवाई किए। आईपीआर विभाग के अनुसार टोली में अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, डीजीपी, मुख्यमंत्री के सचिव योजना एवं विकास, संयुक्त सचिव शामिल थे। इस बैठक में राज्यपाल गंगा प्रसाद ने सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे को वर्ष भर संचालन करने तथा सेवक रंगफू रेल मार्ग निर्माण कार्य में तीव्रता प्रदान करने का मुद्दा उठाया। गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कार्यालय दार्जिलिंग में लोकसभा सांसद राजू बिष्ट का भव्य स्वागत किया गया। सांसद ने गोरोमो केंद्रीय समिति और गोरोमो दार्जिलिंग कर्सियांग कालिंगपांग मिरिक के प्रतिनिधियों के अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के साथ उन्होंने एक सभा की। इस बारे में गोरोमो केंद्रीय कार्यालय के प्रवक्ता वाई लामा ने विस्तृत जानकारी दी। दार्जिलिंग का लोकसभा सांसद श्री राजू बिष्ट जी आज चुनाव जिते पश्चात प्रथम चोटी वहाँ हम आज केन्द्रीय कार्यालय में आने भिहान वहाँ सुनादा हमारा शहीद टासी भोटिया को घर में वहाँ जानु, वहाँ को दीदी परिवार भेटर बातचीत कर साथ ही वहाँ को अन्य कार्यक्रम करते करते साझा बखत दार्जिलिंग केन्द्रीय कार्यालय में आईपुग्न भ्रीय कार्यालय में आए पश्चात वहाँ बिस्तारे बिस्तारे कालिम्पोंग का हमारा संगठन का प्रतिनिधिवर्गसँग वर्तमान राजनीतिक मुद्दालाई लिएर बातचीत गर्नुभयो र उहाँले बिस्तारे खरसाङसँग खरसाङको सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूसँग बातचीत गर्नुभयो। उहाँले आजसम्म एउटा सांसद भएर केन्द्रमा अनि सदनमा कति कामहरू गरे विस्तृत रूपमा उहाँले हाम्रो प्रतिनिधिवर्गलाई जनाउनु भयो। चीते के चमड़े के साथ भूटानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर टास्क फोर्स ने अभियान चलाकर हाथी घिसा से एक व्यक्ति को पकड़ा। उसके पास से चीते की चमड़े को बरामद किया गया है। बाद में पता चला कि वह भूटान का रहने वाला है। चीते के चमड़े को भूटान से लाया गया था और भारत होते हुए इसको नेपाल में तस्करी करने की योजना थी। तस्कर के पास से जब्त तेंदुओं की खाल की लंबाई करीब 11 फुट बताई जा रही है। সেই স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত এবং তার দল একটি গোপন খবরকে অনুসরণ করে ভোর থেকে আলিপুরদুয়ার জেলার হাসিমারার কাছে ছদ্মবেশে অ্যাম্বুশ করে বসেছিলেন। খবর এরকম ছিল যে একটা আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী চোরাচালান চক্রের থেকে একটা লেপার্ড স্কিন বা একটা চিতাবকের চামড়া পাচার হবে এবং যেটা একটা আন্তর্জাতিক পাচারই হবে। ওনারা সেই খবরটাকে অনুসরণ করে দুপুরবেলা মোটামুটি 2 নাগাদ ওল্ড হাসিমারার কাছে একজন আসামিকে ধরতে সমর্থ হন। আসামি দেখা যায় ভুটানের নাগরিক এবং সে ভুটান আর্মির সদস্য বলে এখন অবধি জানা যাচ্ছে। তার সিটিজেনশিপ কার্ড এবং অন্যান্য কাগজপত্র তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং একটি বিরাট বড় চিতাবকের চামড়া তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।
नक्सलबाड़ी में स्थित नक्सलबाड़ी अस्पताल दवा दुकान में चोरी की असफल प्रयास की घटना सामने आई है। स्थानीय नागरिक के अनुसार एक चोर जब दुकान में चोरी करने की कोशिश कर रहा था उसी समय नाइट गार्ड्स की नज़र उस पर पड़ गई और उसको पकड़ लिया गया। पुलिस को सूचित करने पर पुलिस उसको नक्सलबाड़ी थाने में ले गई है। इसरो से संपर्क होने पर विक्रम वापस खड़ा हो जाएगा अपने पैरों पर। इसरो लगातार कर रहा है संपर्क साधने की कोशिश। विक्रम लैंडर अपने तय स्थान से करीब 500 मीटर दूर चांद की जमीन पर गिरने से इसरो निराश नहीं हुआ है, लेकिन अगर उससे संपर्क स्थापित हो जाए तो वह वापस अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इसरो से मिली जानकारी के अनुसार चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में वह टेक्नोलॉजी है कि वह गिरने के बाद भी खुद को खड़ा कर सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उसे कम्युनिकेशन सिस्टम से संपर्क हो जाए और उसे कमांड रिसीव हो जाए। विधानसभा में विधेयक पारित करने के बाद पश्चिम बंगाल में थम नहीं रहा है मॉब लिंचिंग की घटनाएं। 24 घंटे में मॉब लिंचिंग की 3 घटनाएं आई सामने, एक की हुई मौत। हाल में मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त सजा के लिए राज्य विधानसभा से विधेयक पारित किया गया, पर भीड़ की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर दिनाजपुर, आसानसोल और कूचबिहार में बीते 24 घंटे में मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आई है। बच्चा चोर के शक में सामूहिक पिटाई की 3 घटनाएं हुई है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 9 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कूचबिहार के तिनहटा के पुटीमारी चेकपोस्ट इलाके में बच्चा चोर के संदेह में एक व्यक्ति की सामूहिक पिटाई से मौत हो गई। सामूहिक पिटाई में मृत व्यक्ति का नाम जोसेफ सांवताल बताया जा रहा है। उधर उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा के रामगंज में पकड़े जाने वाले 2 लोगों को बच्चा चोर संदेह में बुरी तरीके से पीटा गया। वहीं आसानसोल के हीरापुर थाने के अंतर्गत भलड़िया गांव में भी बच्चा चोर के संदेह में एक शख्स को बुरी तरह पीटा गया। स्विस बैंकों में धन रखने वालों पर अब कसेगा शिकंजा। स्विस बैंकों में पैसे रखने वाले भारतीयों के खातों से जुड़ी जानकारियां भारत को मिलनी शुरू हो गई हैं। स्विट्जरलैंड ने ऑटोमेटिक सूचना आदान प्रदान ढांचे के तहत इसी महीने पहली बार कुछ सूचनाएं भारत को उपलब्ध कराई हैं। भारत को मिले पहले दौर की सूचनाओं के विश्लेषण की तैयारी चल रही है और इनमें खाता धारकों की पहचान तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होने का अनुमान है। फिलहाल समय हो चुका है एक ब्रेक का, हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बन रही है एसके लाइव के साथ। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स सिडवैप्स क्या है। शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नु पर्छ। सपना जुन चाहिँ रंगहरूमा देखिन्छ, रंग जुन चाहिँ दीवारमा खेल्छ, कदमको हर आहटमा खुशी देखिन्छ, उम्मीदमा हिता सालै साल सपनाको घर बनिन्छ। सुन्दर दीवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो, धरती देखि आकाश सम्म रंग हो पीआईएसको। पीआईएस पशुपति इन्फ्रा एन्ड सप्लायर्स एक्सक्लुसिभ स्टोर फर प्रिमियम फ्लोरिङ एन्ड वाल टेक्स्चर। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड इन योर वे। PIS, the Planet Mall, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For inquiry, call 97334141. अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9 8328
3211। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इसके लिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के निर्देशन तथा रिम्बिक लोधोमा समिति के आयोजन में रिम्बिक लोधोमा समष्टि के रिम्बिक बासबोटे फेदीखोला श्रीखोला लोधोमा के साथ विभिन्न जगहों पर एनआरसी के विरुद्ध व्यापक रूप से पोस्टरिंग की गई है। इस बारे में पोस्टरिंग के बाद समष्टि उपसभापति टासी शेर्पा ने विस्तृत रूप से जानकारी दी है। रविश म के भन्न चाहन्छु भने यो एनआरसी विषयमा चाहिँ र केन्द्र समिति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले विगत इलेक्सन हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै यो एनआरसी विषयमा आवाज उठाउँदै आइरहेको छ कि भारतभरि छरिएको 1.5 करोड गोर्खाहरू लाई चाहिँ एनआरसीले छुनु हुँदैन र पहाडमा पनि जुन गोर्खा समुदाय छ त्यसलाई पनि एनआरसीले छुनु हुँदैन भनेर जुन टेक आडान गरेको थियो र त्यो आज आसामले एउटा उदाहरण पेश गरेको छ। जहाँ आसाममा जुन एनआरसी लागू भयो त्यहाँनिर हाम्रो समुदायको मोटामोटी 1 लाख सम्मको गोर्खा समुदायहरू त्यो एनआरसीदेखि बाहिर छुट्टिनु पुगेको छ र हामी भारतमा यहाँनिर त्यो 1 लाख गोर्खाको मात्र कुरा नभएर आज पहाडको 5-6 लाख गोर्खाहरूको मात्र कुरा नभएर भारतमा मोटामोटी 1.5 करोड गोर्खाहरू छन्। आज 1.5 करोड गोर्खाहरूलाई पनि यो एनआरसीले छुँदैछ। उत्तरबङ्ग विकास मन्त्री रविन्द्रनाथ घोष ने राज्य की शिक्षा नीति की जमकर की तारीफ। कहा, शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल पूरे देश में पेश करेगा मिसाल। पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में भी रविवार को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का पालन किया गया। कूचबिहार जिला लोक शिक्षा समिति कूचबिहार जिला परिषद के तत्वाधान में आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर रंगारंग शोभा यात्रा निकाली गई। कूचबिहार जिला परिषद भवन के सामने से निकाली यह शोभा यात्रा पूरे शहर की परिक्रमा करते हुए शहर के उत्सव ऑडिटोरियम के नजदीक पहुंचकर समाप्त हुई। राज्य के उत्तरबंग विकास मंत्री रविन्द्रनाथ घोष ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री रविन्द्रनाथ घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के लोगों की साक्षरता को लेकर काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मामले में पूरे देश में पश्चिम बंगाल को आगे ले जाने के लिए मुख्यमंत्री विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में किए बड़े ऐलान। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत मिले विशेष दर्जे से नहीं की जाएगी छेड़छाड़। असम में एनआरसी जारी होने पर कहा कि एक भी घुसपैठियों को देश में नहीं रहने दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 371 से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यह अनुच्छेद असम के साथ पूर्वोत्तर के सभी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद विपक्षी दलों ने एक अभियान चलाकर अनुच्छेद 371 को हटाए जाने की अफवाह फैलाई। उत्तर पूर्वी परिषद की 68वीं पूर्णकालिक बैठक को संशोधित करते हुए शाह ने कहा, मैंने संसद में भी स्पष्ट किया था और यहाँ भी कहना चाहूंगा कि इसे नहीं हटाया जाएगा। अनुच्छेद 370 अस्थाई व्यवस्था थी, जबकि अनुच्छेद 371 एक विशेष प्रावधान है। दोनों में एक मूल अंतर है। नरेंद्र मोदी सरकार अनुच्छेद 371 और 71(1) से लेकर 71(j) के तहत सभी प्रावधानों का सम्मान करती है। शाह ने कहा, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक भी घुसपैठी को देश में नहीं रहने दिया जाएगा। सुंदरवन में डूबने से 3 वर्षों में 504 शिशुओं को हुई मौत, CINI के द्वारा किए गए सर्वे में हुआ है खुलासा। सुंदरवन का नाम सुनने में रोमांचक जगह लगता है, लेकिन यहाँ के वासिंदों के लिए यह एक डरावना ठिकाना बनकर रह गया है। आखिर ऐसा क्यों है? भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन 54 छोटे द्वीपों का समूह है। ज्ञात हो कि पश्चिम बंगाल के 2 जिले दक्षिण व उत्तर 24 परगना में फैले सुंदरवन इलाके में जुलाई 2016 से करीब 504 बच्चों की मौत सिर्फ डूबने की वजह से हुई है। चाइल्ड लाइन नीड इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए सर्वे में यह खुलासा हुआ है। दोनों जिलों में फैले सुंदरवन के 19 ब्लॉक की 222 गांव में यह सर्वे जारी है। विमल पंथी गोजुओं के युवा मोर्चा एवं विद्यार्थी मोर्चा ने संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गोजुओं विद्यार्थी मोर्चा के सह सचिव अनमोल थापा और सांगठनिक सचिव संजीव सुवेदी के घर को कुर्क करने की घटना के ऊपर प्रतिवाद जताया है। जलपाईगुड़ी में रायकतपाड़ा स्पोर्टिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित SRMB फुटबॉल टूर्नामेंट में चैंपियन हुए अनुधर 19 ईस्ट बंगाल टीम। ज्ञात हो कि रविवार को उक्त प्रतियोगिता के फाइनल खेल में बांग्लादेश के संतोष स्पोर्ट्स एसोसिएशन को
3-0 के गोल से पराजित कर ईस्ट बंगाल टीम विजयी हो गए। इस अवसर पर चैंपियन ट्रॉफी विजयी टीम को प्रदान किए जलपाईगुड़ी नगर निगम के चेयरमैन मोहन बसु ने। এপিউসি জলপাইগুড়ি, রয়্যাল এফসি শিলিগুড়ি, কেএফসি শিলিগুড়ি, আয়োজক দল আরএসি। দর্শককে ভালো লাগছে, অনেক দর্শক মাঠে আজকের খেলা, এবং আমাদের চেয়ে ইস্ট বেঙ্গল টিম অনেক ভালো, ওরা একাডেমিক্যাল টিম এবং আমাদের চেয়েও অনেক ফাস্ট প্লেয়ার। আমাদের যেসব প্লেয়ার আসছিল অনেকে ঢাকা চলে গেছে, ঢাকা ফার্স্ট ডিভিশন লিগ শুরু হয়েছে, এই জন্য আমাদের একটু টিম উইকে। अब तक के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों की जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, यानी एसके लाइव के साथ। आपका समय एवं आपकी खबर। धन्यवाद।